देख रहे हैं आजाद सिपाही। आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। सावधान, कोयलांचल से देश में हो रही आग और पत्थर की आपूर्ति, भ्रष्टाचार छिपाने के लिए बीसीसीएल के भ्रष्ट अधिकारी अब कुछ भी कर गुजरने को तैयार। कोयलांचल से देश के कोने कोने में अब आग और पत्थर मिश्रित कोयले की आपूर्ति की जा रही है। बीसीसीएल के कतिपय भ्रष्ट अधिकारियों ने भ्रष्टाचार की सभी हदें पार कर दी हैं। चंद लोगों के भले के लिए देश के पावर प्लांटों के उत्पादन को प्रभावित तो कर ही रहे हैं, साथ ही माफियागिरी को पूरा बढ़ावा देने के साथ खुली छूट दे रखी है। फलस्वरूप बीसीसीएल के साथ देश के पावर प्लांटों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। कोल साइडिंग से पत्थर मिश्रित चलता हुआ कोयला स्टील और पावर प्लांटों को भेजा जा रहा है। राजपुर परियोजना बीएनआर साइडिंग से पत्थर मिश्रित कोयला भेजे जाने का मामला उजागर हुआ। कोयले के स्टॉक में की गई भारी गड़बड़ी और भ्रष्टाचार सामने आया, जिसकी जांच विजिलेंस ने शनिवार को दूसरे दिन भी की। इसके बाद अब आग लगा कोयला बीसीसीएल की गोलकडीह 9 नंबर रेलवे साइडिंग से भेजे जाने का मामला उजागर हुआ है। साथ ही कोयले के स्टॉक में की गई भारी गड़बड़ी एवं भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए कोल डंप में अचानक आग लग गई है। बीसीसीएल के कतिपय भ्रष्ट अधिकारियों की करतूतों पर आजाद सिपाही झरिया संवाददाता कमलेश कुमार सिंह राजा की रिपोर्ट। एक तरफ कोल मंत्री का स्वागत, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार उजागर। झरिया, एक तरफ कोल मंत्री का स्वागत, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार उजागर, इस बात की चर्चा कोयलांचल की फिजा में शनिवार को गूंजी। विरोधी तो विरोधी अपने भी ये कहते नहीं थक रहे। शनिवार को बीसीसीएल के अधिकारी कोयला मंत्री पीयूष गोयल के स्वागत में जुटे थे, वहीं भ्रष्टाचार छुपाने की नाकाम कोशिश के बावजूद भ्रष्टाचार उजागर हो रहा। धनबाद कोयलांचल से देश भर में सिर्फ कोयले की आपूर्ति नहीं हो रही है, इसके साथ साथ आग और पत्थर की भी आपूर्ति हो रही है। ये आग कभी भी और कहीं भी शोरापन भड़क सकती है। ऐसा हुआ तो जान माल की काफी हानि होगी। एक ऐसा ही मामला उजागर हुआ है। कोल साइडिंग से जलता हुआ कोयला स्टील और पावर प्लांटों को भेजा जा रहा है। इसका खुलासा शुक्रवार को तब हुआ जब बीसीसीएल की गोलकडीह 9 नंबर रेलवे साइडिंग से कोयला लदे एक रैक को मीजिया पावर प्लांट भेजा जाना था। वैगन में लदे कोयले में आग भड़क गई, वो थतक थतक कर जलने लगा। इसे सुरक्षा के दृष्टिकोण से पाथरडीह बाजार रेलवे स्टेशन के 2 नंबर डिपार्चर लाइन में खड़ा किया गया। रेल जीएम धनबाद की सूचना पर अग्निशमन सेवा विभाग झरिया के कर्मी दमकल वाहन के साथ मोहन बाजार के पाथरडीह बाजार रेलवे स्टेशन पहुंचे। आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। वैगन के कोयले में भड़की आग से रेलवे और बीसीसीएल अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। पहले आग को किया गया नजरअंदाज। पूर्व मध्य रेल धनबाद डिवीजन अंतर्गत पाथरडीह यार्ड से 59 वैगन का एक रैक बीसीसीएल के गोलकडीह 9 नंबर साइडिंग में गुरुवार की सुबह गया था। यहां ओपन कास्ट से निकले गर्म कोयले को वैगन में लोड कर दिया गया। इसके बाद वैगनों में लदे कोयले से धुआं उठने लगा। इसकी शिकायत गार्ड एसपी सिंह ने बीसीसीएल और रेल अधिकारियों से की, परंतु आग पर काबू की कोई पहल नहीं कर नजरअंदाज कर दिया गया। गुरुवार को साइडिंग से मीजिया पावर प्लांट जाने को रैक पाथरडीह पहुंचा। पाथरडीह में कांटा करने के दौरान धुआं निकल ही रहा था। 4 डिब्बों से उठ रहे धुएं के कारण रैक को पाथरडीह मार्शलिंग यार्ड में खड़ा कर दिया गया। शुक्रवार को रैक के 3 डिब्बों से उठ रहा धुआं बंद हो गया, परंतु चौथा डिब्बा का धुआं बढ़ गया। इस कारण उसे अलग कर 58 वैगनों को मीजिया के लिए रवाना कर दिया गया। इधर विजिलेंस जांच के दूसरे दिन कोल डंप में लगी आग। कोयले के स्टॉक में की गई भारी गड़बड़ी और भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए बीसीसीएल के भ्रष्ट अधिकारी अब कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। सांठ गांठ नीति के तहत भ्रष्टाचार प्रकरण को किसी भी हाल में दबाने की कोशिश जारी है।
विजिलेंस जांच के दूसरे दिन राजापुर परियोजना के कोल डंप में आग लग गई। कोल स्टॉक में गड़बड़ी की मंशा से कोल डंप में आग लग गई है, ये आरोप ट्रेड यूनियन प्रतिनिधि लगा रहे हैं। जनता मजदूर संघ के नेताओं ने भ्रष्टाचार की लड़ाई को लेकर कमर कस ली है। शनिवार को जनता मजदूर संघ बच्चा गुट क्षेत्र संख्या 9 के क्षेत्र अध्यक्ष रामकृष्ण पाठक ने अपने आवासीय कार्यालय में प्रेस वार्ता बुलाकर राजापुर प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जब से बस्ता कोला क्षेत्र के राजापुर परियोजना प्रबंधन के खिलाफ जनता मजदूर संघ के महामंत्री बच्चा सिंह ने शिकायत की, उसी समय से राजापुर प्रबंधन फर्जी स्टॉक को पूरा करने में एक के बाद एक अवैध तरीके अपना रहा है। दोबारी और KOCP सहित धनसार परियोजना से उत्पादित कोयले को BNR साइडिंग में गिराकर उसे राजापुर परियोजना से उत्पादित कोयला बता डिस्पैच किया जा रहा है। राजापुर परियोजना में बड़े पैमाने पर कोयले की हेरा फेरी की गई है, जिसके चलते लगभग 1,00,000 टन कोयला का स्टॉक शॉर्ट हो गया। पूर्व मंत्री बच्चा सिंह की शिकायत पर पूरे क्षेत्र के अधिकारी एकजुट होकर विभिन्न कोयलेरियों से कोयला डिस्पैच कर भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। BCCL के वरीय पदाधिकारी फर्जी कोयला स्टॉक में भारी गड़बड़ी के खुलासा होने से अपनी गर्दन को फंसते देख कोल डंप के कोयले में अचानक आग लगाकर षड्यंत्र रच रहे हैं। डीजल डालकर कोल डंप में आग लगाई है प्रबंधन ने शाहबादी। वहीं बच्चा सिंह शाहबादी ने कहा कि प्रबंधन द्वारा राजापुर परियोजना के विभाग तथा आउटसोर्सिंग फेज से रोजाना पिछले 4 अक्टूबर तक करीब 7,000 टन कोयला का उत्पादन दर्ज किया जाता था, लेकिन अचानक प्रबंधन 7 तारीख से 11 तारीख तक उत्पादन शून्य के बराबर दिखाया है। परियोजना कोल डंप में जमा पत्थर मिश्रित कोयले पर डीजल डालकर आग लगा दी है, ताकि उसे अग्नि प्रभावित फेज का कोयला दिखाकर कोयले के स्टॉक को पूरा किया जा सके। और मापी कर जांच करने आए विजिलेंस के साथ सर्वेयरों की टीम को दिग्भ्रमित किया जा सके, जबकि प्रबंधन द्वारा कोयले में छाई तथा पत्थर मिलाने का काम बड़े पैमाने पर किया गया है, ये जांच अधिकारी भी अपने अंदर समझ चुके हैं। प्रबंधन के इस कारनामे के कारण BCCL को करीब 1,500 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। डिस्पैच हुए कोयले का पूरा मूल्य नहीं मिल पाया। प्रेस वार्ता में बबलू सिंह, धर्मेंद्र पासवान, राकेश सिन्हा, मुरारी पांडे, बम्बे सिंह, जहांगीर, राजू राय, महेंद्र चौहान, लाल मोहन सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। दूसरे दिन कोल स्टॉक की मापी करने पहुंचे विजिलेंस अधिकारी। राजापुर परियोजना कोयला स्टॉक में गड़बड़ी की जांच करने विजिलेंस टीम दूसरे दिन पहुंची। शनिवार को कोल डंप पहुंचा कोयला स्टॉक की मापी में जुटी रही। गौरतलब है कि पूर्व मंत्री बच्चा सिंह की शिकायत पर 1,00,000 से ज्यादा कोयले के स्टॉक में कमी की जांच विजिलेंस टीम के सदस्य शुक्रवार से कर रहे हैं। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही, और आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और बगल में जो बेल आइकन है उसे आप जरूर प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो हम लोग अपलोड करते हैं उसकी सूचना आप तक खुद ब खुद पहुँच जाए। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।